नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड न्यूज़ नेटवर्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मसालों में शामिल एक ऐसा मसाला जो खाने का टेस्ट तो बढ़ाता ही है लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाले कई मसाले होते हैं और उनकी अपनी भूमिका भी अलग अलग होती है। भारत को मसालों का देश कहा जाता है, ये सब भी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा मसाला भी है जो भारत में पैदा नहीं होता लेकिन लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग ठंड के दिनों में बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं हींग की। मसालों में शामिल ये हींग ना सिर्फ खाने का टेस्ट बढ़ाता है साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। दोस्तों भारत में हींग भले ही पैदा नहीं होती लेकिन दुनिया में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में लगभग 40% तक इसका इस्तेमाल होता है। भारत में ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से हींग मंगाई जाती है। अफगानिस्तान से आने वाली हींग की मांग सबसे ज्यादा है। CSIR के हिसाब से भारत हर साल 1200 टन हींग इन देशों से 600 करोड़ रुपए खर्च कर आयात करता है। दोस्तों जानकारी दे दें आपको कि हींग को बनाने के लिए गाढ़ा कच्चा माल फेरुला ऐसा फोइटिडा के जड़ से निकाले गए रस के माध्यम से तैयार किया जाता है। दोस्तों एक समय की बात है कि जब इस कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बकरे की खाल का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब इस कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लास्टिक के पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई शहरों में फिर इस कच्चे माल में गोंद और स्टार्च को मिलाकर खाने लायक हींग को बनाकर तैयार किया जाता है और फिर हींग छोटी छोटी डिब्बियों में भरकर हम आपकी रसोई तक पहुंचती है। दोस्तों हींग को बनाने वाला कच्चा माल सफेद यानी कि मटमैला सफेद सा और हल्का सा गुलाबीपन का होता है। ये सफेद फेविकोल की तरह ही होता है। हींग के कच्चे माल की जो गंध होती है वो काफ़ी तीखी होती है और इसके पास आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। इसका जो तीखापन होता है इसके कारण से अंग्रेज इसे डेविल्स डंक भी कहते थे यानी शैतान का गोबर भी कहते थे इसे। वहीं इसके औषधि गुणों के चलते इसे गॉड्स फूड भी कहा जाता है। दोस्तों हींग की लगभग 130 किस्में हैं और फेरुला ऐसा फोइटिडा इनमें से कुछ किस्में पंजाब, लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उपजाई जाती हैं। वर्तमान में भारत में हींग ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से मंगाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा हींग की जो पैदावार है वो अफगानिस्तान में ही होती है और भारत में भी यहीं से मंगाई जाती है। दोस्तों कुछ लोग अक्सर ये कहते मिल जाते हैं कि हींग मुगल काल के दौरान भारत आया था लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुगलों के पहले भी भारत में हींग के उपयोग का वृतांत मिलता आया है। आयुर्वेद में सबसे पुरानी पुस्तक चरक संहिता है जिसमें भी हींग का उल्लेख मिलता है। वहीं संस्कृत में हींग को हींगू के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत संहिता जो 800 ईसा पूर्व लिखी गई थी उसमें भी हींग का उल्लेख मिलता है। संहिता के अध्याय 46 में इसका उल्लेख मिलता है। वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हींग को लेकर कई तरह के उल्लेख मिलते हैं जैसे कि हींग बात और कफ को ठीक करता है परंतु यह शरीर में पित्त के स्तर को बढ़ाता है। यह गर्म होता है और भूख को बढ़ाता है और हींग एक पाचक है और ये पाचन में सहायक है। इसके लिए ठंडा और शुष्क वातावरण काफी उपयुक्त होता है। दोस्तों हींग मूल रूप से ईरान और अफगानिस्तान में पाया जाने वाला पौधा है। प्राचीन काल में ईरान को फारस देश या आर्याना कहा जाता था और अफगानिस्तान उस समय भारत का ही हिस्सा भी था। तो दोस्तों छोटे कंकड़ के समान दिखने वाली हींग की गंध तेज होती है और खाने को स्वादिष्ट बनाने में काफी कारगर भी है। दोस्तों ये थी पूरी बात हींग को लेकर कि हींग आखिर कैसे आई, क्या मुगल काल से हींग आई है या प्राचीन भारत में हींग का उल्लेख मिलता है, इसको लेकर आप तक हमने पूरी खबर पहुंचाई है। उम्मीद है आपको खबर अच्छी लगी होगी और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।